आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक विच फेस इज मोर पावरफुल, रेड, येलो और ब्लू, मतलब कि रेड, येलो और ब्लू इन तीनों में कौन सा फेस ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों इस प्रकार का सवाल हमारे मन में कई बार आता है। यह सवाल हमारे मन में उस समय सबसे ज्यादा आता है जब हमें किसी एक उपकरण को चलाना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक मोटर है, इस मोटर को हमें सिंगल फेस की सप्लाई देके चलाना है, और अगर इस केस में हमारे पास में तीनों फेस की सप्लाई होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से फेस के साथ इस मोटर को जोड़े जिसके कारण हमारी मोटर ज्यादा पावर के साथ चले, मतलब कि हमारे इन तीनों में से कौन सा फेस ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट इस सवाल के जवाब की बात करें तो इसका जवाब काफी सिंपल सा ऐसा है कि हमारा जो रेड, येलो और ब्लू ये तीनों फेस है ना, इन तीनों फेस के अंदर ऐसा कोई भी बात नहीं होती है कि हमारा रेड फेस ज्यादा पावरफुल होगा, येलो फेस ज्यादा पावरफुल या फिर ब्लू फेस, ये तीनों बिल्कुल सेम पावर के ही होते हैं। लेकिन यह जवाब सुन लेने के बाद में भी कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, वह उस केस में आ सकता है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में हमने आर वाई बी सप्लाई दी और आउटपुट से भी हमें आर वाई बी ये तीनों हमें फेस मिल गए। अब दोस्तों उदाहरण के लिए कई बार हमारे मन में इस तरीके का सवाल आ जाता है, हो सकता है कि हमारे रेड फेस और येलो फेस पे ऑलरेडी बहुत सारा लोड कनेक्ट हो। मतलब कि उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में टोटल 100 मोटर है जिसे हमें रन करनी है, उसमें से हमारी 50 मोटर ओनली आर फेस पे कनेक्ट है और बाकी जो 50 मोटर बची है उसमें से हमारी 40 मोटर येलो फेस पे कनेक्ट है। तो इस केस में हमें से कई लोग यही सोचेंगे कि हमारा जो ब्लू फेस है यह ब्लू फेस ज्यादा पावरफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे रेड फेस और येलो फेस पे तो बहुत ज्यादा लोड पहले से कनेक्ट है, हमारी 50 मोटर 40 मोटर चल रही है, जबकि ब्लू फेस में हमारी सिर्फ 10 मोटर ही चल रही है। तो दोस्तों क्या हमारा ऐसा सोचना सही है, इस समय ब्लू फेस क्या ज्यादा पावरफुल है या नहीं, इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब भी क्लियर तरीके से वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपने रेड फेस पे कितना भी लोड जोड़ रखा हो, येलो फेस पे कितना या फिर ब्लू फेस पे कितना भी, हमारी किसी भी कंडीशन में जो तीनों फेस सप्लाई होती है उन सभी में जो पावर होती है वो पूरी तरीके से बराबर ही होती है। और दोस्तों इसके अलावा एक और बात आप यह भी जान लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रिकल में काफी ज्यादा काम आएगा। अभी जो हमने एक उदाहरण की बात करी थी जिसके अंदर हमने हमारे इस ट्रांसफार्मर पे रेड फेस और येलो फेस पे ज्यादा लोड को जोड़ दिया था और हमारे जो ब्लू फेस है इस ब्लू फेस पे हमने काफी कम लोड को, मतलब कि सिर्फ 10 मोटर को जोड़ा था, जबकि बाकी के दोनों फेस पे 50 और 40 मोटर को जोड़ रखा था। और इस समय हम सोच रहे थे कि हमारा जो ब्लू फेस है इस ब्लू फेस में अभी कम पावर जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये कि हमारा ब्लू फेस ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों क्या इस तरीके का रियल में प्रैक्टिकली भी कहीं पे देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस तरीके का आप कभी भी प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे। इस तरीके का उदाहरण आप क्यों नहीं देख पाएंगे, वह इस वजह से नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह जो अभी हमने उदाहरण के लिए जो कंडीशन को बनाया था जिसके अंदर हमने रेड फेस पे ज्यादा लोड को जोड़ा था, येलो पे भी ज्यादा पर ब्लू पे कम लोड को जोड़ा था, इस तरीके की जो कंडीशन होती है यह कंडीशन हमारा अनबैलेंसिंग लोड की कंडीशन कहलाती है। अनबैलेंसिंग लोड की कंडीशन का मतलब हमने तीनों फेस पे अलग अलग पावर के लोड को चला रखा है, तीनों फेस पे हमारा बराबर लोड कनेक्ट नहीं है। और जब हम इस तरीके की अनबैलेंसिंग लोड की कंडीशन कहीं पे पैदा कर देते हैं, मतलब कि हम हमारे रेड येलो फेस पे बराबर लोड को कनेक्ट नहीं करते हैं, कम ज्यादा लोड को कनेक्ट करते हैं, तो इसके कारण हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली जो मोस्ट प्रॉब्लम है वो है हमारी इम्प्रॉपर वोल्टेज की प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारे पास में ओवरहीटिंग की, मतलब कि हम जो भी उपकरण बाद में चलाते हैं वो हमारे ज्यादा हीट करते हैं। और तीसरी हमारी मोस्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे उपकरण के डैमेज होने की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की कभी भी कंडीशन पैदा नहीं होती है जिसके अंदर हमारे रेड फेस पे ज्यादा लोड कनेक्ट हो, येलो फेस पे भी ज्यादा, ब्लू फेस पे कम, इस तरीके से हम कभी भी अनबैलेंसिंग लोड को कनेक्ट नहीं कराते हैं। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो के अंदर हमने काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चन कि हमारा रेड, येलो और ब्लू इन तीनों में कौन सा फेस ज्यादा पावरफुल है इसके जवाब के ऊपर बात करा। इसका जवाब क्लियर तरीके से यही है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारा कोई एक फेस ज्यादा पावरफुल हो, सभी फेस हमारे बराबर इक्वल ही पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल द्वारा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर हम इन्हें पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।